हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव। राजीव, हमारी जो सिचुएशन रही है इंडिया न्यूजीलैंड की, हम लोग अपना पहला टेस्ट मैच हारे हैं ये जो, और काफी टाइम से इंडिया एक विनिंग स्ट्रीक पे रहा है। ये एक लॉस बहुत ही ज्यादा यू नो क्वेश्चनेबल सा हो गया है, क्योंकि 200 रन भी नहीं बना पाए, बस करीबन उतने, यू जस्ट ट्राइंग टू पुल साइड्स और उतने रन बना पाए। हर कोई हमारे बैट्समैन को ब्लेम कर रहा है, वो कह रहा है, मैंने बहुत सारी जगह पे देखा कि लोगों ने लिखा है, बोला भी है, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने भी कहा है कि विराट कोहली ने परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरीके से वो परफॉर्म करवा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सबकी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इन्हीं बैट्समैन पे ही रहती है। पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी हमारे सारे व्यूअर्स को कि गलती इस बॉल के साथ हुई है इस बार। मेरे ख्याल से हमारे बॉलर्स ने इस बार उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दी जिसके कारण वो न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट कर पाए। ऐसा कैसे कि न्यूजीलैंड हमसे ज्यादा रन स्कोर कर पाए, और इन दैट सिचुएशन जहां हम बिल्कुल ऐसा लगा था बिल्कुल डिफिकल्ट हो रहा है हमारे बैट्समैन के लिए खेलना, वहां न्यूजीलैंड के लिए बहुत आसान था। आपको क्या लगता है कि क्यों हमारे जसप्रीत बुमराह, शमी उस हिसाब से केपेबल नहीं हो पाए जिस हिसाब से न्यूजीलैंड की टीम? देखिए, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक बड़ा गैप नजर आया। अगर आप इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले देखें ऋचा, तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी को बहुत हाईली रेट किया जा रहा था, और न्यूजीलैंड की कंडीशंस में ये कहा जा रहा था कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो कुकुबुरा बॉल से ज्यादा इफेक्टिव होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। और मुझे लग रहा है प्रैक्टिस मैच को बहुत लाइटली लिया गया था। अगर आप देखें, सात आठ ओवर के स्पेल डाले थे सभी फास्ट बॉलर्स ने, और जो क्लाइमेट से आप कहते हैं ना कि आप किस तरह से एडजस्ट करते हैं, वो एडजस्टमेंट नजर नहीं आया। आप देखिए, बहुत तेज हवा चल रही थी वेलिंगटन में दो दिन, और तेज हवा में आपको किस लेंथ पे बॉल डालनी है और कहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो मिसिंग थी इंडियन फास्ट बॉलर्स में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम बल्लेबाजों पे बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, विराट कोहली की हम बात कर रहे थे, हम पृथ्वी शॉ की बात कर रहे हैं, मयंक अग्रवाल को दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छी स्टार्ट मिली, हमने उनको भी बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन दरअसल मैच जो मैच का रुख जो बदला न्यूजीलैंड के फेवर में, वो बदला है लास्ट के तीन, अगर आप देखें जो बैट्समैन थे न्यूजीलैंड के, उन्होंने 114 रन जोड़े और वहां से मैच पूरी तरह से न्यूजीलैंड के फेवर में चला गया। क्योंकि पिच बहुत कठिन भी नहीं थी, बहुत आसान भी नहीं कह सकते, थोड़ा स्पॉन्जी बाउंस था जहां पे स्ट्रोक्स आप अपने नहीं खेल सकते थे। न्यूजीलैंड के अगर गेंदबाजी की जो आपने बात की ऋचा, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया आपके जो स्ट्रोक प्लेयर्स थे, क्योंकि इंडियन टीम की अगर आप बैटिंग देखेंगे फ्रॉम टॉप टू नंबर सेवन तक ज्यादातर स्ट्रोक प्लेयर है चेतेश्वर पुजारा को छोड़ के, और ये एक बड़ा फर्क था कि जब आपके रन को ड्राई कर देंगे तब आप अटैकिंग या ओवर अटैकिंग शॉट्स खेलेंगे और आप अपना विकेट गंवाएंगे, और वही होता नजर आया। और इसी वजह से आप देखें न्यूजीलैंड के अगर तेज गेंदबाजों को देखें, पहली पारी में 161 रन पे आउट करते हैं और दूसरी पारी में 181 पे हमारी पूरी की टीम आउट हो जाती है। राजीव, जैसे आपने मेंशन करा कि न्यूजीलैंड के आखिरी के तीन बैट्समैन ने, एक्चुअली आखिरी के तीन प्लेयर्स ने वो 114 रन बनाए, तो वही दिखाता है कि ऑलराउंडर्स का इफेक्ट रहा है वहाँ पे। और यहीं पे ऐसा क्या आप महसूस करते हैं कि हार्दिक पांड्या को हम मिस आउट कर रहे हैं अपनी टीम में, ऑलराउंडर्स की कमी सी महसूस हो रही है कुछ? हाउ डू यू पुट इट अक्रॉस, आपको क्या लगता है? जब भी सब कॉन्टिनेंट के बाहर हम टेस्ट मैचेस हारते हैं तो ये बड़ी चर्चा होती है हमेशा की नंबर सात में हमारे पास कोई सीमिंग ऑलराउंडर नहीं है। अगर आप स्पिन ऑलराउंडर की बात करें, आर अश्विन है जिन्होंने 4 टेस्ट मैचेस में सेंचुरी लगाई, लेकिन जैसी सीमिंग ऑलराउंडर की बात आती है वो एकदम ब्लैंक। और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड आप जाएंगे तो नंबर सात पे आपको सीमिंग ऑलराउंडर चाहिए जो आप गेंद को थोड़ा बहुत स्विंग करें। आप ग्रैंड होम का एग्जांपल ले लें, वो उन्होंने बहुत ही एक्यूरेट गेंदबाजी की, प्रेशर बना के रखा था जिसकी वजह से दूसरे एंड से सऊदी बोल्ट और जेमिसन विकेट लेते रहे, फिर जेमिसन एक और ऑलराउंडर उनको मिल गया जो स्पीड के साथ गेंदबाजी करते हैं। और 6 फुट 7 इंच से जब आप एक ऐसे पिच पे गेंद को लगातार एक सही एरिया में हिट करते हैं ऋचा, तो दिन आपको फिर फायदा भी उसका मिलता है। आप देखें फर्स्ट इनिंग में उन्होंने विराट को आउट किया, सेकंड इनिंग में एक डाउन द लेग वो शॉट खेलने गया विराट बोल्ट पे, उस पर आउट हुए जो शॉर्ट पिच बॉल पे वो पुल करना चाह रहे थे। तो जब आप किसी को, वही मैं कह रहा हूँ बार बार, कि जब आप किसी की ताकत को उसकी कमजोरी बनाने लगे तब आप कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं। विराट कोहली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने रन को हमारे ड्राई कर दिया था, इसलिए हमको कुछ डिफरेंट करने की हमने कोशिश की और इसमें हमारे विकेट गए। तो ये एक बड़ा फैक्ट था इस टेस्ट मैच में कि न्यूजीलैंड ज्यादा तैयारी के साथ था, न्यूजीलैंड ने ज्यादा अच्छा बैलेंस खिलाया और हमारी टीम उतनी बैलेंस नहीं थी। एक मुझे तो अभी भी एक बड़ा मुझे लग रहा है जुआ खेला गया था ऋषभ पंत को लेके, बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग की उनको टीम में जगह दी गई ना कि विकेट कीपिंग। जब भी आप टेस्ट मैचेस में जाते हैं ये हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। रनआउट पे मैं कहूंगी कि हमारे व्यूअर्स ये जरूर मानेंगे कि राजीव और मेरा, और स्पेशली राजीव का ये मानना तो 100% है कि रिद्वान साहा की वहां पे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, टेस्ट मैचेस में नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। आई थिंक जैसे ये राजीव वही एक इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे हम बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर सब लोग पकड़े हुए हैं, ये सब एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज है जिसके कारण शायद टीम इंडिया मैच हारी है। हम इतनी बातें कर रहे हैं, विराट ने तो कह दिया कि वो बाहर की बातें ज्यादा सुनते नहीं है, लेकिन उनको सुनना पड़ेगा।
पड़ेगा, क्योंकि देखिए सब उनके वेल विशर्स, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि विराट बाहर की बातें नहीं सुनते, तो फिर आप अपने कोच ही भी नहीं सुनेंगे, आप जो भी आपके वेल विशर्स हैं आप उनकी नहीं सुनेंगे। एक्चुअली बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हुई हैं इस टेस्ट मैच में, क्योंकि कोई भी टेस्ट मैच आप चौथे दिन के पहले सेशन या दूसरे सेशन में हार जाते हैं, यानी कि आपने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। और जो टेस्ट क्रिकेट में कहते हैं सेशन वाइज आप देखते हैं किस टीम ने ज्यादा डोमिनेट किया किस सेशन में, तो इंडियन टीम ने एक भी सेशन डोमिनेट नहीं किया। और ये टेस्ट मैच से अगर आप सेशन निकालेंगे, पहले दिन बारिश की वजह से दो सेशन में, बाकी के दिन जो सेशन हुए न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया, और इसीलिए रिजल्ट न्यूजीलैंड के पक्ष में, और न्यूजीलैंड के लिए बहुत पॉजिटिव चीजें निकल कर आई। अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है टेस्ट मैच में अच्छी बात करने के लिए, सिवाय इसके कि बैट्समैन फ्लॉप रहे, बॉलर्स को पता नहीं था न्यूजीलैंड में बॉल कहाँ डालनी है, तो ये सब कुछ। और इस गेंद से अगर सही जगह आप भी डाल देंगे शाइनिंग बॉल से, तो मुझे लग रहा है अभी भी अगर आप राइट एरिया में और इस सीम का सही तरीके से यूज करेंगे तो आप बैट्समैनों को वहां परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें वॉबल स्विंग होती रहेगी, बॉल आप पिच यहाँ पे कर रहे हैं सीम पे नहीं पिच कर रहे हैं, देन प्रॉब्लम है आपके साथ। और कंडीशन अगर आपके साथ है, पिच बहुत ग्रीन आपको मिल रही हो और आप ओपोनेंट को 100 ओवर फेंकने पड़ जाए आपको, तो फिर इससे पता चलता है कि कितनी गड़बड़ की है हमारे बॉलर्स ने, जिसका जिक्र बहुत कम हो रहा है। और ऋचा ने बहुत सही पॉइंट उठाया कि बॉलर्स ने क्या किया, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। राजीव, जैसे आप हमारे व्यूअर्स को समझा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो बेसिक्स है, ये जो सिंपल बेसिक्स है, ये जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स और शमी जैसे बॉलर्स क्या एनालाइज नहीं कर पाए, सोच नहीं पाए कि क्या कारण हो सकता है? मुझे प्रेशर इतना, इंडिया हैज बीन ऑन द ब्राइटर साइड अगर हम बात करें, हम अपनी ये सीरीज ओडीआई सीरीज आ रहे हैं, बट टेस्ट की बात करें जो हमारी पोजीशनिंग है और जो जैसे टीम इंडिया खेलती आई है पूरे 2019 में, जैसे हमने पूरा साल खेला है, उसके हिसाब से हम तो फेवरेट, ज्यादा से सारे मैचेस में फेवरेट से जाते हैं। देखिए मुझे तो सबसे बड़ा रीजन लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी ये ऑफ कलर क्यों लगे पहले टेस्ट मैच में। अगर आप न्यूजीलैंड की टीम देखें, ट्रेंट बोल्ट उनके लिए फ्रेश रहते, वो T20 नहीं खेले, वनडे सीरीज नहीं खेले, सीधे टेस्ट मैचेस खेले। आपके जो बॉलिंग का जो पूल है वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, और ये बड़ी परेशानी होती है जब आप तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। अब आप देखिए मोहम्मद शमी T20 भी खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह T20 भी खेल रहे हैं, देन वनडे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेस भी खेल रहे हैं।